हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। अभी जो है हॉस्पिटल जा रहा हूँ। कुछ ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल जाना पड़ता है। कुछ कुछ काम ऐसे आ जाता है, जैसे यहाँ बच्चों का जो है हमेशा वेलनेस एक अपॉइंटमेंट होता है वेलनेस के लिए, तो जस्ट उसके लिए छोटी बेटी का आज वेलनेस अपॉइंटमेंट है। 6 महीने पहले लिया जाता है, उसके लिए मैं आज हॉस्पिटल उसको लेकर जा रहा हूँ। अच्छे पूरी प्रिकॉशन के साथ अंदर जाऊँगा, मास्क वास्क लगा कर बच्ची को भी उसके लिए मास्क लेकर निकला हूँ। तो होपफुली एवरीथिंग विल गो वेल, एंड चलिए मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। चलता हूँ अभी, चलो बेटे। बाल्टीमोर सिटी में जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल की कई सारी ब्रांचेज हैं, एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हैं। और जो मेरे घर के पास है ये वाला है ब्रांच, तो मैं हमेशा अभी बच्चों को यहीं पर लेके आता हूँ, दोनों को उनके वेलनेस विजिट के लिए, या फिर अगर कोई और भी उनको कंसल्टेशन हमें डॉक्टर से करनी है तो वो यहीं पर आते हैं। हम लोग आ चुके हैं, अभी हम वेट कर रहे हैं अपने अपॉइंटमेंट का। सो ऑलरेडी हमने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। सो एलिजा इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि एलिजा को आज कोई शॉट लगने वाला नहीं है, आई मीन कि कोई वैक्सीन नहीं लगेगी। वो ये बहुत फिक्रमंद थी। और एलिजा का न्यू मास्क, द कूल मास्क, शी गॉट अ न्यू मास्क हेयर, क्योंकि वो वाला मास्क थोड़ा बड़ा हो रहा था। तो ये है वो रूम जहाँ पर डॉक्टर और नर्स आकर बच्चे को देखते हैं, पीडियाट्रिशियन जो है। और पहले नर्स आती है, वो आकर बच्चे से बात करती है, ब्लड प्रेशर और हाइट वेट ये सारी चीज़ लेती है। देन उसके बाद जो है डॉक्टर आती है, डॉक्टर जो है वो थोड़ा मोर स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछती है कि बच्चे का कैसा चल रहा है डेवलपमेंट। हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस विद द डॉक्टर विजिट? गुड। सो व्हाट डिड शी टेल यू? The test, like, to hear and letter contest. Right, to read a book in the night time, right? We'll do it. How about that? Okay. Okay. So, हम लोग अपनी विजिट करके आ गए हैं, सब कुछ ठीक था। एलिजा का हाइट वेट वो सब कुछ चेक हो गया है। ये लड़की खाती थोड़ा खाती तो ठीक है, वजन इसका हमें और बढ़ाना है। So, right, Eliza? Mm-hmm. And she got a book. उसको एक बुक लाए। Can you show the book? ये डॉक्टर से ये बुक मिला है। डॉक्टर ने कहा है बेड टाइम जाने से पहले बुक को रीड करना है, राइट एलिजा? सो यू विल डू दैट, विल यू डू दैट? सो फ्रेंड्स, ये था वेलनेस ट्रिप होता है बच्चों को, वेलनेस जो अपॉइंटमेंट होता है वेलनेस के लिए, कि बच्चा जो है उसका सब कुछ ठीक चल रहा है, हाइट वेट, और उसका वो थोड़ा सा क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि बच्चा किस तरह मतलब चीज़ों को एनालाइज करता है। कि जैसे डॉक्टर ने इनसे पूछा कि अगर कोई स्ट्रेंजर तुम्हें कॉल करता है, देन व्हाट विल यू डू, विल यू गो देयर? एंड शी सेड नो, आई विल नॉट लिसन टू दैट पर्सन, कि उसको इग्नोर करके, या कोई अगर तुम्हें पकड़ने आता है तो क्या करोगे? उसने कहा मैं घर में भागाऊंगी। सो ये सारे क्वेश्चंस वो इसलिए पूछते हैं जानने के लिए कि बच्चे का माइंड किस तरह से प्रोसेस करता है चीज़ों को, और इफ शी इज़ लर्निंग समथिंग और नॉट। सो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस वो इस वेलनेस उसमें विजिट में पूछते हैं। सो इस वेलनेस विजिट, हमारी वेलनेस विजिट जो है हमारी पूरी हो गई है। सो शी इज़ प्रीटी वेल, आई एम हैप्पी कि वो चलो अच्छा है, सब कुछ ठीक रहा। एंड डॉक्टर वॉज वेरी हैप्पी विद हर परफॉर्मेंस, राइट एलिजा? शी वॉज हैप्पी। एंड वॉट एल्स यू गॉट? स्टिकर्स। ओह, हाउ मैनी? थ्री। एंड डिज्नी प्रिंसेसेस? सो वही बच्चों को थोड़ा सा एंगेज करने के लिए, खुश करने के लिए वो लोग जो है कुछ बुक दे दिए उसको और स्टिकर्स दे दिए। प्लस शी गॉट अ वेरी गुड मास्क, तो हमने एक मास्क जो है, क्योंकि इस पर थोड़ा सा प्रिंटेड प्रिंट हुआ हुआ है तो बच्चों को अच्छा लगता है, तो ये मैंने मायशा के लिए भी एक उन लोगों से पूछ ले लिया, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी बेटी है वो भी आती है, तो उनका अपॉइंटमेंट आज नहीं था, उनका आने वाला है, तो उनको भी लेकर आना होगा। मैंने सोचा मास्क के पीछे इससे पहले कि कोई झगड़ा हो एक मास्क मैं उसके लिए भी ले लेता हूँ, तो हमने वो मास्क ले लिया है। And all went well. तो चलो अब चलते हैं घर वापस, मुझे इनको ड्रॉप करूँगा and then I will go to my office. तो आज फ्राइडे है, जो काम है वो आज थोड़ा बहुत ज़्यादा काम नहीं है, तो आज मैं जल्दी वापस आऊँगा and then it's done.
चलो शाम को फिर मिलते हैं बाद में। सो फ्रेंड्स, अब शाम के लगभग 7 बज रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं अपने जो भिंडी के पौधे हैं वो थोड़े बड़े हो गए हैं, प्लस खीरे के भी कुछ पौधे हैं और एक टमाटर का पौधा है, मैं उसको फाइनली आज ग्राउंड में कर देता हूँ ट्रांसफ़र, ज़मीन में लगा दूंगा, तो देखना कितनी तेज़ी से बढ़ते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से स्ट्रॉबेरी साफ़ कर रहा हूँ प्लांट, और यहाँ पर मैं खीरे के प्लांट्स लगा दूंगा। तो काफ़ी कुछ मैंने साफ़ कर दी है, जो थोड़ी अच्छी स्ट्रॉबेरी है उसको रख देते हैं। ये पौधों के लिए क्लीन कर दिया एरिया, इसमें आ जाएंगे खीरे। और ये जगह हमने पता है किसने चुनी है, इसलिए चुनी गई है ये जगह क्योंकि ये आप सामने इसके पीछे एक खीरे के पौधे के पीछे एक ट्रायंगल सा स्ट्रक्चर खड़ा है, तो इस पर हम हमेशा ये जगह इसलिए चुनते हैं क्योंकि इस पर बेल आसानी से चढ़ जाती है। तो लास्ट ईयर हमने इस पर लौकी और तुरई की बेल चढ़ाई थी, तो इस साल हमने लौकी तुरई है नहीं, तो खीरे को ये जगह दे दिए। अब देखते हैं कि कैसा होते हैं ये खीरे, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉट्स में तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तो मुझे लगा कि अब ये हाई टाइम है इनको ज़मीन में ट्रांसफ़र करने का। फाइनली भिंडी हमारी, मैं हर साल इसी जगह लगाता हूँ, ये गड्ढे आप देख भी रहे हो, ये भिंडी के ही हैं, हर साल भिंडी का पौधा यहीं आता है, ये आसानी से खुद भी जाएगा क्योंकि सॉफ्ट है मिट्टी यहाँ की, हर साल यहीं पर आती है। भिंडी, कल सैटरडे है और कल का मेरा काम ये है कि ये पूरा जो आप देख रहे हैं लॉन फिर से ख़राब हो गया है, गर्मी है, बारिश हो रही है, बहुत तेज़ी से भरती है घास, तो अब ये कल मैं पूरा बैक वाला और फ्रंट वाला फिर से सारा जो है घास को काटूंगा, मो करूंगा, तो ये कल का काम है। तो ये एक पहला पौधा अपना भिंडी का, अगर आप ये पौधा ख़रीदने जाएं किसी, वो जैसे मैंने आपको एक गार्डन सेंटर दिखाया था वैसी जगह से, अगर आप ये एक भिंडी का पौधा ख़रीद के लाएंगे इतना बड़ा, तो $2.50 का मिलता है। तो लेकिन हम लोग वही है हर साल, अब अगर भिंडी ठीक से उगती है तो इस साल फिर से हम भिंडी जो है एक भिंडी पका के और उसके बीज नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर लेंगे। मैंने देखा था यूट्यूब में, किसी ने बताया था कि जितना डीप रखेंगे टमाटर के पौधे को वो थोड़ा स्ट्रांग फिर उगता है पौधा, तना जो है ज़रा नीचे जाना चाहिए। फाइनली पौधे जो हैं जितने भी उगे थे सीड से उनको ज़मीन में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, आई होप कि अब वो अच्छे से उगेंगे और जब उगेंगे तो आपको हम उनकी जो अपडेट्स है वो मिलती रहेगी किसी किसी वीडियो में। एंड देखिए आज का दिन ऐसा गया, सुबह से शुरू हुआ बेटी के वेलनेस विजिट से, देन ऑफिस एंड देन इन द एंड ये सब करते हुए आज का दिन यहाँ पर काम से ख़त्म होता है बाहर, घर के बाहर। अब घर के अंदर शुरू करेंगे कुछ खाना पकाना जो भी करना है। सो आई होप ये आपको जो आज दिन भर का जो मेरा काम था, जो मैंने एक वीडियो बनाई इसकी, आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना श्योर से, एंड दोस्तों के साथ शेयर करना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।